भी भुगतान करो, शासन प्रशासन हमें न्याय दो, सहारा ये है कि नियोजकों का पैसा वापस होना चाहिए और उन्होंने कुछ समय मांगा है, हम पैसा दे देंगे। और क्योंकि वो कार्रवाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा सहारा समूह में निवेश करने वाले देश के 10 करोड़ निवेशकों का 86,000 करोड़ रुपए सहारा से भी विवाद के बाद फंसा हुआ है। पीड़ित अपने भुगतान के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, कोई अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, कोई कहीं जहाँ जिसकी बन पड़ती है, जहाँ से उम्मीद जगती है वहाँ पर आंदोलन कर रहा है। इस बीच भारत राजपत्र से भी एक पॉजिटिव खबर आई है कि सीआरसी को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5,000 करोड़ की किस्त दी गई थी, उसका भुगतान अंतिम चरणों में है। सीआरसी सभी के दस्तावेज पोर्टल पर प्रकाशित यानी अपलोड करा रहा है, जिससे उन्हें वेरीफाई की जा सके। ये दस्तावेज वेरीफाई होने के बाद सभी का भुगतान उनके अकाउंट नंबर पर आएगा, जिसके लिए तुरंत ही एक विज्ञापन सीआरसी द्वारा जारी किया जाएगा। उस विज्ञापन के माध्यम से आपकी अपने बॉन्ड या सहारा की कॉपी, पासपोर्ट साइज कॉपी और बैंक कॉपी के अतिरिक्त केवाईसी अब ई आधार के जरिए, यानी आपका आधार में जो मोबाइल नंबर लगा है उससे आप जब पोर्टल पर लिंक करेंगे ओटीपी आएगी और ओटीपी के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा, यानी आपका केवाईसी ई डिजिटल की तरह होगा, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। सहारा के 10 करोड़ फंसे हुए निवेशकों का 86,000 करोड़ वापस करने के लिए सरकार पर भी लगातार दबाव है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 15 विपक्षी दल पटना में रैली करने के बाद एक हो गए हैं, इसका भी सरकार पर प्रभाव पड़ रहा है। हर तरीके से इस भुगतान को लेकर आगामी चुनाव के मद्देनज़र सरकार को जल्द से जल्द नज़र आती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन फिर भी सीआरसी अभी पूरी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगा रहा है। उम्मीद है 1 जुलाई से जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआरसी यानी सहकारिता मंत्रालय को संबोधित करेंगे, इससे संबंधित ऐलान होगा और हमें आपको खुशखबरी मिलेगी। फिर हम आपको वीडियो बनाकर अवगत कराएंगे कि आखिर किस तरीके से आपको आवेदन करना है। सहारा संबंधी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि वेरीफाई जानकारी सबसे पहले आपको मिले।